बहुत समय पहले की बात है, रामपुर नामक गांव में अनामिका अपनी दादी के साथ रहती थी। कुछ समय पहले अनामिका के माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। अनामिका के पिता एक किराने की दुकान चलाया करते थे। अनामिका उसी दुकान को चलाकर अपने घर का गुजारा करती थी। अनामिका की इस गांव में एक सहेली थी सपना। सपना बहुत अमीर थी, उसका बहुत बड़ा घर था और अनामिका एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। एक दिन सपना अपने कुछ पुराने कपड़े अनामिका के पास लेकर आती है और उससे कहती है, यह देख अनामिका, मेरा कितना सुंदर फ्रॉक है और ये लहंगा और ये सैंडल। दिवाली आने वाली है ना, तो मम्मी और मैंने कल बहुत शॉपिंग की है, इसलिए मैंने सोचा अपने पुराने कपड़े मैं तुझे दे देती हूँ, क्योंकि तेरे पास तो सभी कपड़े फटे पुराने हैं। ये ले, मेरे पुराने कपड़े पहनकर ही अपना गुजारा कर ले। सपना, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैं किसी की उतरन नहीं पहनती। मेरे पास जैसे भी फटे पुराने कपड़े हैं, मैं इन्हें पहनकर ही खुश हूँ। ये अपने पुराने कपड़े तुम किसी और को दे दो। ठीक है, अगर तुम्हें इन पुराने कपड़ों की कोई जरूरत नहीं तो मैं डस्टबिन में फेंक दूंगी। मुझे लगा था कि तुम मेरे दोस्त हो, पहले तुमसे ही पूछ लेती हूँ, अगर तुम्हें जरूरत नहीं तो ठीक है। ऐसा कहकर सपना वहाँ से चली जाती है और अनामिका अपनी दुकान पर जा रही थी। तभी अनामिका देखती है दिवाली की वजह से बाजार में बहुत शोर शराबा था। पटाखों की दुकान पर बहुत भीड़ लगी थी, सब तरह तरह के पटाखे खरीदकर अपने घर लेके जा रहे थे। तभी अनामिका सोचती है, दिवाली आने वाली है इसीलिए पटाखों की दुकान पर इतनी ज्यादा भीड़ लगी है। इन सब की कितनी अच्छी इनकम हो रही है, अगर मैं भी अपनी दुकान पर पटाखे बेचने लगूं तो कैसा रहेगा। हाँ, मुझे दादी से बात करनी चाहिए। ऐसा सोचकर अनामिका घर वापस आ जाती है और अपनी दादी से कहती है, दादी दिवाली आने वाली है ना, तो बाजार में बहुत शोर शराबा हो रहा था। बच्चे बड़े बूढ़े अपने घर के लिए पटाखे खरीद कर लेके जा रहे थे दिवाली पर जलाने के लिए। सभी की दुकान पर बहुत भीड़ लगी थी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं भी पटाखे बेचूं। हाँ बेटा, तुम सोच तो बिल्कुल सही रही हो, मगर बेटा हम गरीब हैं, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि तुम पटाखे लाकर बेच सको। तुम अपने पिता की छोटी सी किराने की दुकान चलाती हो, उससे इतने ही पैसे मिलते हैं कि हम दो समय का खाना खा सके। मुझे तो समय पर दवाई भी नहीं मिलती। बेटा तुम पटाखे कहाँ से लेकर आओगी। दादी जी आप इस बात की चिंता मत कीजिए, आपको पता है ना, जमींदार सूद पर पैसे देते हैं, तो बस पटाखे खरीदने के लिए मैं उनसे पैसे सूद पर ले लूंगी। दादी जी इस दिवाली के त्योहार पर हमारे दिन पहले से जरूर बेहतर हो जाएंगे। आप देखना, हम नए कपड़े पहनेंगे और मिठाइयाँ भी खाएंगे और अपने घर को बहुत सुंदर सजाएंगे। ऐसा कहकर अनामिका जमींदार के घर चली जाती है और जमींदार से कहती है, जमींदार जी आप सूद पर पैसे देते हैं ना, तो ये लीजिए मेरी दुकान के पेपर, मुझे कुछ पैसे सूद पर चाहिए। अगले महीने आपके सभी पैसे सूद समेत लौटा दूंगी और अपनी दुकान के पेपर भी ले जाऊंगी। यह दुकान के पेपर तो कोई खास नहीं है, छोटी सी दुकान है, तुम्हें ज्यादा पैसे सूद पर नहीं मिलेंगे, कम ही मिलेंगे। लेने हैं तो बताओ वरना जाओ। अनामिका दुकान के पेपर देकर थोड़े पैसे सूद पर लेकर आ जाती है और अगले दिन वह पटाखे खरीदकर बेचने के लिए बाजार में चली जाती है। अनामिका देखती है उसकी दुकान पर कोई भी पटाखे खरीदने नहीं आ रहा, अगर कोई आता भी है तो वह बड़े पटाखे मांगता है जो अनामिका की दुकान पर नहीं थे। उसकी दुकान पर छोटे ही पटाखे थे, इसलिए उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आता। अनामिका शाम तक अपने पटाखे बेचती है, जब कोई भी उससे खरीदने नहीं आता तो अनामिका उदास होकर घर चली जाती है। तभी अनामिका की दादी अनामिका से कहती हैं, अनामिका बेटा लगता है तुम्हारा एक भी पटाखा नहीं बिका, तभी तुम इतनी उदास नजर आ रही हो। हाँ दादी, मेरे पास बड़े पटाखे नहीं थे ना, मेरे पास छोटे पटाखे थे, फुलझड़ी चकली सिर्फ यही, और इन्हें खरीदने कोई नहीं आ रहा था। मगर दादी कोई बात नहीं, मैं कल कोशिश फिर करूँगी। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, देखना मेरे पटाखे जरूर बिकेंगे, आप परेशान मत होइए। ऐसा कहकर अनामिका अपनी दादी को दिलासा दे देती है और घर में जो राशन रखा था उससे खाना बनाकर दोनों दादी पोती खा लेती हैं। अगले दिन दोबारा से अनामिका अपने पटाखे बेचने चली जाती है। आज अनामिका के पटाखे बिक जाते हैं, यह देखकर अनामिका बहुत खुश होती है।
अरे वाह, आज तो पूरे 2000 रुपए के पटाखे बिके हैं। किराने की दुकान में तो कभी इतने पैसे नहीं मिलते। अब मैं दादी के लिए दवाइयाँ लेकर जाऊंगी और दिवाली पर उनके लिए नई साड़ी दिलाऊंगी, उन्हें अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाऊंगी। अनामिका ऐसा सोच रही थी तभी वहाँ पर सपना आ जाती है और वह अनामिका से कहती है, अनामिका 2 दिन बाद दिवाली आने वाली है और मुझे अपने लिए एक बहुत सुंदर गाउन खरीदना है, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगी? अनामिका, देखो मना मत करना, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम मेरे साथ चलोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है सपना, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे पूरे 2000 रुपए के पटाखे बिके हैं और दिवाली के लिए मुझे दादी और अपने लिए भी कपड़े खरीदने हैं, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर अनामिका और सपना दोनों शॉपिंग करने जा रही थीं, तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है और वह बूढ़ी औरत सपना और अनामिका से कहती है, बेटी मेरी मदद करो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मुझे पैसों की जरूरत है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? तुम्हारा ऊपर वाला भला करे, कृपया करके मेरी मदद करो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, तुम लोगों का बस यही ड्रामा है, अपने घर की मजबूरी बताते हैं और हमसे पैसे ले लेते हो, हम तुम जैसे गरीबों की मदद नहीं करेंगे, जाओ यहाँ से, हमारा रास्ता छोड़ो। नहीं नहीं बेटा, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मेरे साथ चलो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। नहीं नहीं अम्मा जी, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, मेरे पास 2000 रुपए हैं, अगर आपके बेटे का इसमें इलाज हो जाता है तो आप इन पैसों में करा लीजिए। ऐसा कहकर अनामिका के पास जो 2000 रुपए होते हैं जिन्हें उसने बहुत मेहनत से कमाए थे, वह उस बूढ़ी औरत को दे देती है। वह बूढ़ी औरत अनामिका को बहुत दुआएं देती है और खुशी खुशी वहां से चली जाती है। तभी सपना अनामिका से कहती है, यह क्या अनामिका, तुम्हारे पास 2000 रुपए थे जिनकी तुम दिवाली के लिए अपने और अपनी दादी के लिए शॉपिंग करने जा रही थी। तुम्हें पता है मेरे पास पूरे 20000 रुपए थे, फिर भी मैंने उस बुढ़िया की मदद नहीं की। अगर ऐसे ही हम दूसरों की मदद करते रहेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? जैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तुम दिवाली पर क्या पहनोगी? वही फटे पुराने कपड़े। सपना, ये तुम्हारी गलत सोच है, हमें हमेशा गरीब और परेशान लोगों की मदद करनी चाहिए। तुमने देखा नहीं, जब मैंने उन्हें 2000 रुपए दिए उनके चेहरे पर कितनी खुशी कितना सुकून था, यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सपना, तुम्हारे पास कितने सारे पैसे थे फिर भी तुमने उनकी मदद नहीं की, ये अच्छी बात नहीं है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। हाँ, मैं तुझे देखती हूँ लोगों की मदद करते हुए, लेकिन मैंने तुझे कभी चैन की सांस लेते हुए नहीं देखा, 24 घंटे गरीबी में घिरी रहती है, अच्छा खाना नहीं खा पाती, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाती। सपना, एक बार तुम दूसरों की मदद करके तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, इतना अच्छा तुम्हें कभी इतने सारे धन दौलत में भी नहीं लगा होगा। सपना और अनामिका शॉपिंग करने चली जाती हैं। सपना अपने लिए बहुत सुंदर गाउन खरीद कर लेकर आती है और अनामिका खाली हाथ घर आ जाती है। अगले दिन अनामिका दोबारा से जैसे ही अपने पटाखे बेचने के लिए जाती है तो वहां जाकर देखती है अनामिका की दुकान में एक भी पटाखा नहीं होता। कल रात अनामिका की दुकान में चोरी हो चुकी थी जिसके कारण उसकी दुकान में एक भी पटाखा नहीं होता। यह देखकर अनामिका बहुत रोती है। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है, दुकान में तो किसी भी तरह का एक भी पटाखा नहीं है, लगता है कल रात चोरी हो गई। अब मैं क्या बेचूंगी, जो पैसे सूद पे मिले थे उनके तो मैंने पटाखे खरीद लिए, अब ये मेरे साथ क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा कहकर अनामिका बहुत रो रही थी तभी वहाँ पर वह बूढ़ी औरत आती है जिसे अनामिका ने 2000 रुपए दिए थे। तभी वह बूढ़ी औरत अनामिका से कहती है, बेटा इस तरह से नहीं रोते, तुम मेरे साथ जंगल चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत अनामिका को जंगल में ले जाती है और उससे कहती है कि वह इस जमीन को खोदे। जैसे ही अनामिका वह जमीन खोदना शुरू करती है तभी अनामिका देखती है उसके अंदर बहुत चमकती हुई एक मशीन होती है, जिसे देखकर अनामिका कहती है, अम्मा जी यह मशीन कैसी है और इसका मैं क्या करूँगी? अनामिका के इतना कहते ही वह बूढ़ी औरत एक परी के रूप में आ जाती है और वह अनामिका से कहती है, अनामिका
तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो। ये जादुई पटाखे की मशीन है, जैसे ही तुम एक बटन दबाओगी तो इसके अंदर से अलग अलग तरह के पटाखे निकल कर आएंगे और तुम इस जादुई पटाखे की मशीन से पटाखे ले लेकर बेचना और अपने दादी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदना, मिठाइयाँ खरीदना और इस बार की दिवाली बहुत धूमधाम से मनाना। परी की बातें सुनकर अनामिका खुश हो जाती है और उस जादुई पटाखे की मशीन को अपने साथ घर ले आती है और अपनी दादी को उसके बारे में सब बताती है। अगले दिन अनामिका जादुई पटाखे की मशीन से बहुत सारे अलग अलग तरह के पटाखे लेकर बाजार में बेचने जाती है। अनामिका के पटाखे सब दुकान से सबसे अलग थे, इसलिए उसके सभी पटाखे तुरंत बिक जाते हैं। दिवाली आने तक इसी तरह अनामिका पटाखे बेचती है। अनामिका दिवाली तक बहुत पैसे कमा लेती है और अपने दादी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर लेकर आती है, बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर आती है और जो बच्चे दिवाली पर पटाखे नहीं खरीद पाते उन्हें फ्री में पटाखे देती है। इस बार अनामिका अपनी दादी के साथ बहुत धूमधाम से दिवाली मनाती है। तभी सपना अनामिका के पास आती है और उससे कहती है, अनामिका तुम्हें देखकर मुझे सब समझ आ गया कि दूसरों की मदद करने से एक ना एक दिन हमें उसका फल जरूर मिलता है। तुमने 2000 देकर अम्मा की मदद की थी, जिसके बदले तुम्हें जादुई पटाखे की मशीन मिली। आज तुम कितनी धूमधाम से दिवाली मना रही हो। अनामिका, मैंने तुमसे एक बात बहुत अच्छी सीखी, अब मैं हमेशा दूसरों की मदद करूँगी। चलो ये बड़ा वाला अनार जलाते हैं। अब सपना भी अनामिका की तरह दूसरों की मदद करती थी। इसी तरह दोनों सहेली एक साथ हंसी खुशी जीवन बिताती हैं। अनामिका अपनी जादुई पटाखे की मशीन से अलग अलग शहरों में पटाखे एक्सपोर्ट किया करती थी।